Chanakya IAS Academy, 29 years of excellence, extraordinary results every year, 5000 plus selections in IAS, IFS, IPS and other civil services so far. For more details, visit www.chanakyaisacademy.com or contact 7303763540. ऊना में 3 से 5 फरवरी तक होने वाली भाजपा की प्रदेश कार्य समिति को लेकर जिला भाजपा द्वारा तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। ऊना में होने वाली प्रदेश कार्य समिति को लेकर रविवार को भाजपा जिला कार्यालय में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा विधायक एवं पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने की, जबकि इस दौरान जिला भाजपा के साथ साथ पांचों मंडलों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान भाजपा नेताओं ने विभिन्न समितियों का गठन कर पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेवारियां सौंपी। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि ऊना में होने वाली कार्य समिति की बैठक में भाजपा के सभी दिग्गज मौजूद रहेंगे, जिसमें पूर्व के मुख्यमंत्री, मौजूदा और पूर्व विधायक और पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित होंगे। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग हमारी 4 और 5 तारीख को ऊना में हो रही है। इसमें प्रदेश के सभी बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के विधायकगण, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, अलग अलग मोर्चों के मुखिया, वो सब लोग जहां आएंगे, लगभग 300 लोग 4 तारीख को 5 तारीख को यहां पर आएंगे। और उन सब लोगों के माध्यम से आने वाला जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चलना है, लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए क्या क्या करना है, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां सामूहिकता में चलें और एक दिशा में चलें, उसकी टोटल रोड मैप तैयार किया जाएगा और उसी रोड मैप के माध्यम से हम लोग लोकसभा के चुनाव तक आगे बढ़ेंगे। 3 दिन का जो कार्यकारिणी समिति की मीटिंग रहेगी, उसमें क्या क्या डे बाय डे कार्यक्रम होंगे? उसमें 3 तारीख को हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो लोग उसमें आएंगे, और 4 तारीख को हमारी पदाधिकारियों की मीटिंग है। तो 4 तारीख को जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लगभग 50 संख्या बनती है, वो लोग आएंगे। और 4 तारीख को ही दोपहर बाद 4 बजे जहां प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें 300 लोग आएंगे, जो 5 तारीख को दोपहर बाद 4-5 बजे तक चलेगी। तो ऐसे कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश के सब क्षेत्रों से, हर विधानसभा क्षेत्र से लोग आएंगे, और उन सब लोगों के ठहरने की व्यवस्था हमने ऊना शहर और साथ लगते अलग अलग स्थानों के ऊपर की है, और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जो प्रदेश कार्य समिति होगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।